तो उसे सजाना सीखे, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखे। रिश्ते तो मोहब्बत से और तकदीर से मिलती है, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निर्मल लोशारा फिर एक्सपीरियंस से एक बार आपके सामने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक लिया, और वो भी रिश्तों के बारे में, क्योंकि पिछले दो हफ्ते से मैं आप लोगों को रिश्तों के बारे में कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। आज उसकी आखिरी किस्त है। इसमें दो चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। एक है कि रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, एक दूसरे का जो मत है, एक दूसरे का जो सोचने का तरीका है, एक दूसरे का जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, उसको सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हो, जैसे आप देख रहे हो, जो आपके डिसीजन है, वो हर वक्त सही हो, क्योंकि हम लोग कभी ज़िंदगी में 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो 100% परफेक्ट है। और दूसरा जो है वो है सेलिब्रेट ईच अदर सक्सेस। वे एक दूसरे का जो सफलता है वो उस सफलता, उस सक्सेस का जो सेलिब्रेशन शेयर है वो एक दूसरे के साथ बांट लीजिए। मान लीजिए आपका दिन बहुत खराब जा रहा है और आपका पार्टनर घर में आया या कहीं आपको मिले और उसने बड़ी उत्साह से अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो आपको बताना चाहता है या चाहती है, लेकिन क्योंकि आप बहुत मायूस हो, क्योंकि आप बहुत डिप्रेस्ड हो, क्योंकि आप बहुत प्रेशर में हो, इसलिए आप उसको सुनना नहीं चाहते और आप डिलीबरेटली उसको मना कर रहे हो। मेरी ये मशवरा है आपसे, आप डिलीबरेटली माना मत कीजिए। अगर सही में आपको सुनने का दिल नहीं है तो धीरे से उसको समझाइए कि देखो मेरे साथ आज ऐसा हुआ, मेरा आज बहुत मूड खराब है, आप जो बोल रहे हो, आपका जो सक्सेस है, आपका जो ये एक्साइटमेंट है, ये हम आज ठीक तरीके से शेयर नहीं कर सकते, आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। मुझे भी आनंद है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको कहीं सफलता मिली है, लेकिन चलिए इसको हम कहीं और जाके सेलिब्रेट करेंगे, कभी और सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मेरे मन में जो तूफान उठा है या मेरे साथ जो सिचुएशन चल रहा है, क्या मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ? अगर उन खुशी के मौके पर भी आपका पार्टनर आपकी बात सुनने के लिए राजी हो जाए, मतलब आपका रिश्ता बन गया एक अटूट जोर की तरह। आज के लिए इतना ही, इस हफ्ते के लिए इतना ही, और बाकी नुस्खे के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।